नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आप मंत्री आतिशी का ईडी पर निशाना, सीएम केजरीवाल छापेमारी से नहीं डरेंगे, ये निशाना साधा है। आतिशी ने ईडी ने सारे दिखावे खत्म कर दिए। कल 16 घंटे चली ईडी की छापेमारी। ईडी ने छापेमारी की वजह नहीं बताई, फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी पर निशाना साधा गया और आतिशी ने कहा कि ईडी ने छापेमारी की वजह तक नहीं बताई। कल छापेमारी हुई थी और आज फिर से आपको बता दें कि निशाना साधा गया है। यह शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में यह कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस केस के तहत छापा मारने आए हैं। यह पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के पीएस विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई उसके बाद साइन हुआ। यह पंचनामा ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कई बार ईडी को लेकर आम आदमी पार्टी हमला बढ़ रही है। कल भी आपने देखा आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरीके से मैसेज जरूर दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के खिलाफ जनता के बीच, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है। दूसरी बात यह है कि 5 समन जारी किया गया अरविंद केजरीवाल को, अब तक पेश नहीं हुए। तो क्या आपको लगता है कि रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी लगातार हमला कर रही है ईडी को लेकर? जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ईडी पर हमलावर है और इस वक्त ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो चुका है, तो ऐसे में जिस तरह के बयान कल से आ रहे हैं या इससे पहले जो ईडी पर आरोप लगाए गए थे, उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पर जाने वाली इस पूरे मामले में नहीं है। यही वजह है कि ईडी के द्वारा जब शराब नीति घोटाला मामले में एक के बाद एक कुल 5 समन दिए गए थे, नवंबर महीने से इसकी शुरुआत हुई थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुल 5 समन देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ तक डोर टू डोर कैंपेन तक चलाया गया था ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ कि आम जनता बताए, दिल्ली की जनता बताए कि आखिर क्या अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे या जेल से ही सरकार चलाए। और जिस तरह से आज एक बार फिर से हमला किया गया है आतिशी के द्वारा कि कल जो उनके राज्यसभा सांसद हैं एनडी गुप्ता के घर पर रेड हुई, विभव जो उनके पीएस है पर्सनल सेक्रेटरी उनके घर पर रेड हुई, 16 घंटे और 14 घंटे तक रेड चलती रही, उसके बावजूद ड्राइंग रूम में ईडी के अधिकारी जो आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक बैठे रहे, ना कोई पूछताछ की, ना कोई कागजात खंगाले गए और ना ही कोई सोना या ना कोई सोने का बिस्किट या पैसे बरामद हुए। बस महज ये स्टंटबाजी है ईडी लोगों को परेशान करना चाहती है कि ये वजह तक नहीं बताई गई किस वजह से ये छापेमारी हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।